Hello friends, welcome to 2 to 5 minute question and answer series initiated by Study Hack channel. And this is the day 3. In this series, you will get some previous year questions with detailed solution, and we also provide PDF to you. So let's start our class. So first question is, you have to select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. And the sentence is, our guests arrived. They are sitting in the garden. You have 10 seconds to answer this question. Option first, shall arrive. Option second, have arrived. Option third, are arriving. Option fourth, might arrive. फटाक से आंसर करेंगे, बहुत ही इजी। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप यू ऑल आंसर इट करेक्टली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा है कि आवर गेस्ट अराइव्ड, हमारे जो गेस्ट है वो आ चुके हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारे गेस्ट तो आए हैं और उसका प्रभाव है कि अभी भी वो चल रहे हैं, कि वो कब जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि वो अभी तक है। ठीक है, तो सारी जो घटनाएं हो रही है वो क्या है, प्रेजेंट में, क्योंकि वो गेस्ट अभी भी है। तो हम यहाँ पे पास्ट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैव अराइव्ड। ठीक है, जैसे कि हैव अराइव्ड शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ अराइव्ड। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, thus use of arrived is incorrect here. So there is detailed solution, you read from the PDF. I will provide it on our Telegram channel. Next question is, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Okay, you have to find grammatical error. You have 10 seconds. You have 4 options. Cover above a table during an earthquake. It is advised to take to save your life. ओके इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या है कि जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको एडवाइस किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि अपने आप को क्या करो, कवर करो। एबव द टेबल, एबव मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अब टेबल के ऊपर होगे तो कवर कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो गया, एबव। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, अंडर द टेबल। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा पार्ट हो गया, कवर एबव अ टेबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अंडर शुड बी यूज हेयर इन प्लेस ऑफ एबव। एबव किसके लिए यूज होता है, तो हायर प्लेसेस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू टेल द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू हैव 4 ऑप्शंस, फाइनरी, हाइस्ट, क्रिंज, डेफर। फटाक से आंसर करना, बहुत ही ईजी है। इफ यू हैव सीन मनी हिस्ट टीवी सीरीज, यू कैन इजिली से। So the incorrect spelling is heist. It is written as hist. So correct is H-E-I-S-T. Okay. Heist means an act of stealing something from a shop or bank, especially something extremely valuable. दुकान या बैंक से बहुमूल्य वस्तु की चोरी, सेंधमारी, लूट कहा जाता है। ठीक है, फाइनरी मतलब इलेगेंट एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, स्पेशली दोज दैट आर worn for a special occasion. सुंदर एवं सुरुचिपूर्ण कपड़े एवं गहने। क्रिंज, टू फील एम्बेरेस्ड, झेप जाना। डेफर, टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, किसी काम को क्या करना, स्थगित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एंड इडियम इज ऑल आई। यू हैव 4 ऑप्शन, वाचिंग विथ एंगर, वाचिंग ईगरली, वाचिंग विथ नो इंटरेस्ट, नॉट वाचिंग एट ऑल। फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है। मैंने आपको वोकैब वाली सीरीज में ये सब करवा रखी है पहले भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब आप सारी आंखों को एक साथ ला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप किसी भी चीज को ईगरली वॉच कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू टेल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एंड सेंटेंस इज, ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट। ओके, यू हैव 4 ऑप्शन, looking down on his book, second option looking above his book, third option looking for his book, fourth option looking after his book. फटाक से इसके साथ टाइम अप हो चुका है। तो आप किताब के अंदर नहीं झांकते हो, किताब में आप किसी सॉल्यूशन को देखो तो किताब में जाके आप उस चीज को देखते हो, तो लुकिंग फॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, लुकिंग फॉर शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू। लुकिंग फॉर फ्रेजल वर्ब ऑफ लुक है, अटेम्प्ट टू फाइंड समवन और समथिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको 5 आउट ऑफ कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।